हम कल सिंचाई विभाग द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग 1 करोड़ 16 लाख और 38 हज़ार का प्रोजेक्ट है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क है, जो कि 700 मौके पे तैयार हो चुकी थी। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है। मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया, हमने उसका शुभारंभ वहीं पर रोक दिया गया है। फिर हमने डीएम से बात की, डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की जिनको वहाँ पे भेजा गया। तो लगभग हम वहाँ 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके, और बकायदा 2.5 से 3 घंटे हम इसीलिए वहाँ बैठे रहे ताकि वो पूरा प्रोसीजर हमारे सामने हो। हमने अपने सामने ही उसको सील लगवा के उसको रखवाया गया है, जाँच के लिए भिजवा दिया गया है। हम कल सिंचाई विभाग द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग 1 करोड़ 16 लाख और 38 हज़ार का प्रोजेक्ट है। ये लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क है, जो कि 700 मौके पे तैयार हो चुकी थी। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है। मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया, हमने उसका शुभारंभ वहीं पे रोक दिया गया है। फिर हमने डीएम से बात की, डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की जिनको वहाँ पे भेजा गया। तो लगभग हम वहाँ 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है ताकि उसकी अच्छे से जांच हो सके, और बकायदा 2.5 से 3 घंटे हम इसीलिए वहाँ बैठे रहे ताकि वो पूरा प्रोसीजर हमारे सामने हो। हमने अपने सामने ही उसको सील लगवा के उसको रखवाया गया है, जाँच के लिए भिजवा दिया गया है।